तो हम कहते हैं ना उर्दू में आपके भाई ने काम किया, इसी दौर में काम स्टार्ट हुआ और आज आपको काम होता वहाँ पे नजर आ रहा है और इंशाल्लाह खत्म भी करके दूंगा, कभी इस पोज में, कभी इस पोज में, कभी इस पोज में, कभी इस तरह, कभी इस तरह। पार्टी ने उस इस्तीफे को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो यानी कि अभी तक तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं कहता हूँ मेरी मुखालफत कर लो, इस शहर की मुखालफत ना करो, मेरी मुखालफत करो, इस शहर की तरक्की की मुखालफत ना करो। इल्ज़ाम वो लगा रहे, मैं बार बार कहता हूँ आपने पूरे शहर में कहीं मेरे फेवर में वॉल चौकिंग होते हुए नहीं देखी होगी, मेरे खिलाफ वॉल चौकिंग देखी है आपने, लेकिन मेरे फेवर में मैं चाहूँ लोगों को कहूँ यार वॉल चौकिंग कर दो मेरे लिए। मुझे आप किसी बिलबोर्ड पे, किसी पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे मेरी आपको तस्वीर नजर नहीं आएगी, कभी इस पोज में, कभी इस पोज में, कभी इस पोज में, कभी इस तरह, कभी इस तरह। ये सियासतदानों को शौक होता है, मुझे भी शौक हो सकता है कि मैं अपनी पब्लिसिटी करूं, तो आप सोचें लोग जो तनकीद कर रहे हैं, जो इल्जामात की भोचार कर रहे हैं, वो हैं कौन। मेरा इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ, मैंने इस्तीफा का ऐलान भी किया, वो इस्तीफा मैंने भिजवाया, भिजवाने के बाद मेरी अपनी क़यादत से मुलाकात हुई, वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात हुई, वज़ीर बल्दियात से भी मुलाकात हुई, और मैंने उस वक्त भी कहा था जब मैं इस्तीफ़ा दे रहा था कि मैं अपने पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, मैं पार्टी के अहकामात पर चलता हूँ, पार्टी ने मुझे नामजद किए, जो पार्टी के अहकामात होंगे वो मैं अहकामात फॉलो करूँगा, और मैंने बताया था कि मैंने इस्तीफ़ा अपनी ज़ाती कैपेसिटी में दिया है। तो वो ज़ाती कैपेसिटी ना पार्टी ने उस इस्तीफे को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो यानी कि अभी तक तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और जब तक हूँ मैं काम कर रहा हूँ, इस शहर से मुझे मोहब्बत है, इस शहर से मुझे दिल लगी है, इस शहर के लोगों से मुझे दिल लगी है, इंशाल्लाह जो कुछ भी कर सका करके दूंगा, दूसरों की तरह कीलें ठोक के सड़कों को तबाह नहीं करूँगा, अपनी तस्वीर किसी बिलबोर्ड पर आवेज़ा नहीं करूँगा, और कहीं वॉल चौकिंग नहीं करूँगा। अपने कानूनी एतराजात, अपने आईनी हुकूक को एजिटेट करूंगा दुनिया के सामने, और जिस तरह भी लोगों की खिदमत कर सकता हूं इंशाल्लाह खिदमत करूंगा। और अब मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूं कि ये निज़ाम जो मैंने के इलेक्ट्रिक के ज़रिए मुतारिफ कराया कानून के मुताबिक, ये 10 दिन चला, सिर्फ 10 दिन, 10 दिनों में 6 लाख लोगों ने ये बिल पे किया है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जिससे 5 करोड़ रुपए 10 दिन में इकट्ठा हुए, ये है नेक नियति का नतीजा। कराची के उजड़े हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस जो के हमारे वो जो पाउडरी लोग होते हैं वो कभी सरिया काट के ले जाते हैं, ग्रिलें काट के ले जाते हैं, वो ख़त्म हो गया था, उन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को रिहैबिलिटेट करने का जामे मंसूबा बनाया, और हमने उन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को ठीक करना शुरू किया। कराची में तकरीबन कोई 110 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं, पहले किसी के पास डेटा नहीं होता था, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह डेटा है, काम हो रहा है, और जो उजड़े हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिज थे उनको हम ठीक कर रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रिजेस भी थे जिसमें स्ट्रक्चर बन गया था लेकिन सीढ़ियाँ ही नहीं थी, आज माशाल्लाह आपको सीढ़ियाँ लगते हुए उसका काम मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहा है। तो हम कहते हैं ना उर्दू में आपके भाई ने काम किया, इसी दौर में काम स्टार्ट हुआ और आज आपको काम होता वहाँ पे नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह ख़त्म भी करके दूंगा। ये सारे काम करने के लिए आपको पैसे दरकार होते हैं।